जैसे मैं यह नहीं चाहती कि दूसरे फेल हों, पर अपने आप में मैं यह चाहती हूँ कि मैं विजयी बनूँ। बहुत ज़्यादा मैटर करता है लाइफ में ये चीज़ कि लोग आपकी कितनी वैल्यू करते हैं, आपको कितनी इज्जत देते हैं, कितना मान सम्मान देते हैं और आपसे किस तरह से बिहेव करते हैं। मैं कहीं भी जाता हूँ या जाती हूँ, लोग मुझे किस तरह से बिहेव करते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। देखिए, जो वैल्यू आपको कोई कितनी देता है ना, ये जो सारी चीजें आपके हाथ में होती हैं कि हम किस तरह से अपने आप को वैल्यूएबल बनाते हैं, किस तरह से लोगों से मान सम्मान पा सकते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है ना माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट इज डोंट बी अवेलेबल ऑलवेज फॉर द पीपल, यू मस्ट बी बिजी। अपने आप को व्यस्त रखिए। व्यस्त रखने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप किसी की हेल्प ना करें, लेकिन लोगों की आपको लेकर के थॉट प्रोसेस ये नहीं होना चाहिए कि अरे वो फ्री होगा, वो खाली बैठा होगा, उसको बुला लो अभी यहाँ पे। इस तरह की टेंडेंसी आपके लिए लागू नहीं होनी चाहिए। लोगों के बारे के दिमाग में आपकी छवि ऐसी होनी चाहिए कि आप बिजी हैं, आप फ्री नहीं होंगे, इसलिए आपसे बात करें या ना करें, ये चीज़ लोगों के दिमाग में होनी चाहिए। उसके लिए यू हैव टू वैल्यू योर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट योर टाइम, कि आपको अपने टाइम को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। जिस तरह से आप अपने पैसे की वैल्यू करते हैं, पैसे को सोच समझ कर, बहुत सोच समझ कर खर्च करते हैं, उसी तरह से आपको अपने टाइम की भी वैल्यू करनी होगी। टाइम को भी बहुत सोच समझ कर खर्च करना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। आपका पूरा दिन अच्छी तरह, अच्छी जगह, अच्छे कामों में अच्छी तरह से बीतना चाहिए और ऐसी जगह इन्वेस्ट होना चाहिए जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो, फ्रूटफुल हो। इफ़ यू विल नॉट वैल्यू योर टाइम, अगर आप अपने टाइम की खुद वैल्यू नहीं करेंगे ना, तो लोग आपका टाइम वेस्ट कर देंगे। इसलिए आपको अपने टाइम की वैल्यू खुद करनी होगी। कहते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, जो खुद के लिए नियम नहीं बनाते ना, जो लोग, उन्हें दूसरों के बनाए हुए नियमों पर चलना पड़ता है। तो वही बात है कि आपको अपने टाइम की खुद वैल्यू करने के लिए सोचना होगा। टाइम को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना होगा जिससे कि आपको डेफिनेटली रिटर्न मिलेगा। इसके साथ साथ ही जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ना माय डियर फ्रेंड, वो है कि कभी भी अपने नेगेटिव पॉइंट्स, अपने बारे में लोगों को, अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को, लोगों को ढिंढोरा पीट पीट कर मत बताइए। डोंट डिस्कस योर फेलियर्स। आप अपने आजू बाजू, अपने पड़ोसी, अपनी फैमिली, अपने क्लोज फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स, किसी के साथ भी अपने फेलियर्स, अपने नेगेटिव पॉइंट्स, अपनी कमियाँ और अपनी खामियों का जिक्र मत करिए। मैं अपनी लाइफ में ये नहीं कर पाया, मैं अपनी लाइफ में वो नहीं कर पाया, या मुझसे ये नहीं होता, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं है, मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है, मेरे अंदर ये स्किल नहीं है, वो स्किल नहीं है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। आपके पिटफॉल्स, आपकी शॉर्टकमिंग्स, आपकी कमियाँ आपकी हैं जिनके बारे में आपको पता है, तो उसमें सुधार करने की कोशिश आपको खुद करनी होगी। लोगों को ढिंढोरा पीटने से क्या होगा, बल्कि आपकी एक नेगेटिव इमेज बन जाएगी और लोग आपको लेकर फॉर ग्रांटेड लेना लग जाएंगे, उसी तरह से लेना शुरू कर देंगे कि ये तो ऐसा ही है। तो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना होगा कि अपने नेगेटिव पॉइंट्स, अपने फेलियर्स, अपनी कमियां किसी के सामने भी खुलासा मत करिए, बल्कि उन पर खुद काम करिए उनको सुधारने के लिए, और हर एक के साथ उनको डिस्कस मत करिए। इसके साथ साथ ही जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो है रेस्पेक्ट योर सेल्फ एंड रेस्पेक्ट योर वर्क। अपने काम की इज्जत करिए, खुद की रिस्पेक्ट करिए, अपनी खुद की वैल्यू खुद कीजिए, अपनी लाइफ का वाई क्लियर करिए। मैं कोई काम क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ, इससे क्या होगा, अपनी लाइफ के अंदर लक्ष्य डिसाइड करिए और उन अपने कामों को वैल्यूएबल बनाने की कोशिश करिए, उस लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश करिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चैरिटी, परोपकार की बात नहीं कर रही हूँ, परोपकार करने की बात नहीं कर रही हूँ आपसे। परोपकार करते रहिए, बट काम वही करिए जिससे कि रिटर्न मिल सके। फोकस ऑन दोज गोल्स ओनली विच आर प्रोडक्टिव, विच गिव यू सम रिटर्न। जो भी रिटर्न हमें मिल रहा है, हर एक काम इस तरह का करने की कोशिश करिए कि आपको उससे डेफिनेटली रिटर्न मिले ही मिले, चाहे वो नेम की टर्म्स में हो, चाहे फेम की टर्म्स में हो, चाहे मनी के टर्म्स में हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट फ्रेंड्स, हम कई बार ऐसा नहीं करते जल्दबाजी में, या कहीं हम बैठ करके एक बहुत ज़्यादा बहसबाजी में, गॉसिप्स में अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो यही है, नेवर इंडल्ज योर सेल्फ इन गॉसिप्स एंड अननेसेसरी टॉक्स। हम इवन सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनकी स्क्रॉलिंग में भी हमारा इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, तो हमें ये चीज़ सोचनी होगी, ध्यान रखना होगा कि कहीं हमारा टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा। कई बार फालतू लोगों के साथ दोस्ती हो जाती है,
उनसे बेकार के मजे मारने के चक्कर में टाइम वेस्ट हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको रोज ड्रिंक करने की आदत होती है, रोज के 2 घंटे ऐसे लोगों के साथ बैठने की आदत पड़ जाती है फालतू की फ्रेंडशिप की वजह से। तो हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि हम किन लोगों के बीच में उठ बैठ रहे हैं, आपकी कंपनी किस तरह की है, आपका टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा उनके साथ में, और जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं उनकी खुद की इमेज कैसी है, उनसे आपको कुछ रिटर्न में मिल रहा है या नहीं, कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं, या केवल आपका उनके साथ बैठ करके रोज टाइम वेस्ट हो रहा है। लोगों का तर्क ये होता है कि जब वो ड्रिंक करने बैठते हैं तभी उनके थॉट प्रोसेस काम करना शुरू होता है, वो इम्पोर्टेंट डिसीजन ले पाते हैं। वेरी सॉरी, आई डोंट बिलीव इन इट, मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि जब आप रोज ये लगा रहे होते हैं ना तो उस समय आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, कुछ वैल्यूएबल चीज़ नहीं होती उस समय। और सबसे बड़ा खिलवाड़ आप अपनी सेहत के साथ कर रहे होते हैं, जिससे कि बिल्कुल बचना चाहिए। इसके साथ साथ ही फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, एक जो नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आ जाता है वो ये आ जाता है कि ट्रीट एवरीवन विद जेंटल केयर। देखिए, जिससे भी पूरे दिन में मिलें प्यार और सम्मान दें उनको, गिव रिस्पेक्ट एंड लव। आई एम टेलिंग यू टू ऑलवेज शेयर लव एंड रिस्पेक्ट, क्योंकि देखिए जो चीज़ आप देते हैं ना वो आपको दुगनी होकर के वापस मिलेगी। माई डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक को समराइज करते हुए, आपकी वैल्यू जब ही बढ़ेगी जब आप उसको खुद बढ़ाओगे, और जब ही होगी जब आप अपनी वैल्यू खुद करोगे। चाहे किसी काम में आगे बढ़ने की बात हो, चाहे दिल जीतने की बात हो, इसी तरह का थॉट प्रोसेस, इसी तरह की अप्रोच रखिए और इन आइडियाज़ को अडेप्ट करने की कोशिश कीजिए लाइफ में। आपकी वैल्यू तभी होगी जब आप अपनी वैल्यू खुद करोगे, और आपकी वैल्यू जब भी बढ़ेगी जब आप उसको खुद बढ़ाओगे। तो अपने आप के लिए इमेज कॉन्शियस रहें, और ये 5 पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं आज कि आप अपनी वैल्यू किस तरह से बढ़ाते हैं, बढ़ा सकते हैं। बताइएगा फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मेरे इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी वैल्यू लगातार बढ़ाने का प्रयास करते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको शेयर भी करते रहिए, साथ साथ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और नोटिफिकेशन बेल जो है उसको भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बींग अ वुमेन। बाय बाय।